हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइन आर्ट। तो आज मैं बहुत सारे कमेंट्स ले रहा हूँ मेरे व्यूअर्स के, जिन्होंने मुझे कहा था छोटा भीम और किरमाड़ा के कहर इस न्यू बिग पिक्चर में से जो किरमाड़ा की न्यू फॉर्म है उसे बनाने के लिए। तो आज उसकी ड्राइंग मैं आपके लिए लेकर लाया हूँ। तो नॉर्मली किरमाड़ा की ड्राइंग अभी कुछ समय पहले भी मैंने बनाई थी, तो जल्दी जल्दी हम इसके फेस को बना लेते हैं। आप देख सकते हो उसकी एक्सप्रेशन थोड़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जैसे मैंने उस वीडियो में ड्रॉ किए हैं। तो अगर आपको इसी से ही ड्रॉ करना है तो आप इसे भी ड्रॉ कर सकते हो। मैंने इसमें किरमाड़ा के फेस को थोड़ा और इम्प्रूव किया है जैसा मैंने उस वीडियो में बनाया है। किरमाड़ा के ऊपर काफी सारी ड्राइंग्स की वीडियो मैंने बनाई हैं, पर फिर भी इसे हर बार बनाने में थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है, क्योंकि इसे बनाना और इसके शरीर पर जो डिफरेंट डिफरेंट आर्मर्स कह लो या फिर इसकी जो शेप है, जिस तरह से डिज़ाइनर्स ने या एनिमेटर्स ने जिस तरह से बनाया है, तो हर बार इसे बनाना एक चैलेंज की तरह ही होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी स्माइल को बनाना। तो ये इसके दो टीथ है जो कैनन टीथ है, तो जितना छोटा आप इसे रख सकते हैं उस तरह से रखना है, क्योंकि मैं यहाँ पर ब्लैक पॉइंट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियसली जो किरमाड़ा की ड्राइंग बनाई थी उसमें मैंने उसका यूज़ किया था। तो जब मैंने उसमें वाटर कलर फिल किए तो वो थोड़ा सा फैलने लगा, इसलिए इस बार मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसे यूज़ करें। और जब हम इसे कलर कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने आखिर ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इसमें कलर बिल्कुल भी नहीं फैलेंगे। और जैसे आपको पता है कि अग्नि चक्र की वजह से इसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, इसके आर्मर जो इसके पास पहले नहीं था वो एक नया आर्मर इसे मिल जाता है, वैसे इसके हॉर्न्स पर भी हमें फायर दिखाई जाती है, पर आप उसे रहने दीजिए क्योंकि उसके बिना भी ये अच्छा लगेगा। इसकी केप क्लोथ इसमें भी हमें दिखाई गई है, तो उसे भी आप साथ ही साथ ड्रॉ करते रहिए। अगर आपने वो वाली ड्राइंग नहीं देखी है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाकर उस किरमाड़ा की ड्राइंग को देख लीजिएगा। आर्मर्स को आप जगह जगह पर कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके हैंड्स को जितना भी परफेक्ट आप बना सकते हो उतना परफेक्ट बनाओ, क्योंकि देखने में तो आसान लगता है पर इसे बनाना इतना भी आसान नहीं है।
मैंने आपने देखी होगी मेरी ड्राइंग्स, तो जो बहुत ही पुरानी ड्राइंग्स थी उसमें मैं इसे अच्छी तरह से ड्रॉ नहीं कर पाता था क्योंकि मुझे टेक्निक का पता नहीं था। धीरे धीरे ड्राइंग करते करते मुझे इसका पता चला कि किस तरह से हमें इसके बॉडी पार्ट्स को बनाना है। तो अब मैं थोड़े से परफेक्ट इसके हैंड्स बना देता हूँ और बाकी किसके बॉडी के पार्ट्स भी ऐसा नहीं है। एक डेमन स्कल आपको इसके विस्ट के पास बनाना है। मुझे ध्यान नहीं है आखिर असली में ये कैसा दिखता था, तो मैंने इसे अपनी तरह से बना दिया। और किरमाड़ा के वेट को अगर आपको बनाने में मुश्किल आती है तो आप बार बार रफली से ड्रॉ करने की कोशिश करें, और जब आपको लगे कि आप उसकी बिल्कुल परफेक्ट स्टेज पर पहुंच चुके हो तो फिर आप उसे फाइनल ड्राइंग में बनाओ। इनिशियली मुझे भी इसे बनाने में थोड़ी मुश्किल आती थी, पर अब आप देख सकते हो मैं काफ़ी हद तक इसे परफेक्ट बना देता हूँ। केप को कंप्लीट करें। अब फाइनली आप इसके टेल को थोड़ा और एक्सटेंड करें लास्ट में। तो बिना टेल के किरमाड़ा थोड़ा अलग लगता है, मींस कंप्लीट नहीं लगता। तो कंप्लीट करने के लिए पूरी अच्छी तरह से आप इसकी टेल बनाओ। तो फाइनली हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। नाउ लेट्स फिल कलर इन इट। तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल कलर यूज़ किए हैं, जैसे गॉन्डलेंस के साइड पर जो मैंने स्पेस छोड़ा था वहाँ पर, और रेंज, और बाकी सारी जगह मैं कहीं जगह पर येलो कलर कर रहा हूँ और कहीं जगह पर मैंने गोल्डन कलर का यूज़ भी किया है, और वो सिंपल मोमी कलर है। केप कलर करने के लिए मैंने काफ़ी डार्क रेड कलरेशन बनाई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ड्राइंग के अकॉर्डिंग। उसमें थोड़ा रेड कलर फीका लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी डार्क टोन की हमें यहाँ पर ज़रूरत है ताकि ये थोड़ा इम्प्रेशन छोड़े हमारे ऊपर। और इसके साथ ही साथ मैं इसकी बॉडी पर डार्क कलर के ग्रे कलर का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपको ब्लैक और थोड़ी सी अमाउंट में ब्लैक कलर वाइट कलर को मिक्स करना है। आपको ये कलर सेम टू सेम मिल जाएगा, और इसके फेस पर ध्यान से कलर कर रहा हूँ ताकि कहीं भी आसपास कलर फैले ना। तो आफ्टर फिलिंग द कलर किरमाड़ा की ड्राइंग हमें कुछ इस तरह से नज़र आने वाली है। तो लग रहा है ना एकदम मस्त। तो अगर आपको ये ड्राइंग पसंद आती है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ ताकि आपको ऐसी ड्राइंग मिलती रहें। तो जल्द ही मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।